भगवान की उत्कृष्ट वाणी, इसके गहन आशय तथा उसके अत्यधिक गहन महत्व के कारण समझ समझ जाने में कठिन थी। मुनियों ने उसे कान खोलकर सुना तथा उस पर मनन भी किया, किंतु सुनकर भी वे नहीं समझ पाए कि भगवान क्या करना चाह रहे हैं। आप सबको मेरी आवाज क्लियरली आ रही है ना? सुनाई दे रहा है। यस प्रभु जी, थैंक यू। ठीक है, बड़ा ही इम्पोर्टेंट और शिक्षा प्रद है एक्चुअली ये श्लोक, और हमारी लाइफ को बहुत इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स को ये खोल के बताता है। अभी जैसे सपोज कीजिए, दो लोग तमिल में बात कर रहे हैं। अभी हमें तमिल समझ में नहीं आती है, लेकिन अब ये दो लोग तमिल में अगर बात कर रहे हैं और बात करके खुश हो रहे हैं, अब बड़ी बड़ी पॉलिसीज भी बना लेते हैं, सब कुछ कर लेते हैं, और हम जो है बैठे रह जाते हैं। ये लोग तमिल में जोक भी मार लेंगे, हंस भी लेंगे, और हम ऐसे बैठे रह जाएंगे, क्या बोल रहे हैं ये लोग। क्यों? क्योंकि हमें तमिल समझ में नहीं आती है। अभी सामने वाला बहुत स्कॉलरली है, बहुत क्लियरली तमिल बोल रहा है। अब क्योंकि मेरे को तमिल का नॉलेज नहीं है, इससे मेरे को तमिल भाषा समझ में नहीं आएगी। अब कोई कह सकता है कि ये व्यक्ति तो पूरा बहुत बेसिक बोल रहा है तमिल, और क्लियरली बोल रहा है, समझा समझा के बोल रहा है तमिल, फिर भी समझ में नहीं आ रही है। क्योंकि मेरे 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 पास वो कैपेबिलिटी नहीं है तमिल सीखने की, तमिल बोलने की, तमिल समझने की, इसलिए मैं समझ नहीं पा रहा। एक और उदाहरण देते हैं। जैसे एक बार क्या हुआ, एक गांव था, उस गांव में सारे लोग पूरे अनपढ़, क ख ग घ भी लिखना नहीं आता। तो एक गांव में ना, वहां पे एक टेंट लगा, और उस टेंट में एक व्यक्ति आया, और ट्रे में उसके उसने जो है सब गांव वाले आसपास खड़े थे टेबल के, और वहां पे एक जो है ट्रे रखी गई, और ट्रे में एक बहुत इतने साइज का एक गुलाबी रंग का सामान रखा हुआ था। तो सबसे पूछा गया कि ये क्या है। कुछ लोगों ने उसको देख के बोला, कुछ लोगों ने उसको टच करके देखा, किसी ने बोला अरे ये तो गुलाबी चीज है, किसी ने बोला अरे तो क्या ये गिलगला सामान क्या है, किसी ने कुछ समझा, किसी ने कुछ समझा, सबने अपने अपना तरीके से उसके बारे में बता दिया, किसी ने उसको खाने की चीज बता दी। तो बहुत लोगों ने बहुत कुछ उसके बारे में बोला, फिर उसके बाद उस व्यक्ति ने बताया कि ये चीज क्या है, ये जो है मनुष्य का मस्तिष्क है, ये क्या है, ये मनुष्य का मस्तिष्क है, उसका अंग जो है यहाँ पे लाके रखा गया। अब आप देखिए, जब ये जो मनुष्य का मस्तिष्क वहां पे रखा गया, तो ये सारे अनपढ़ लोग उसके ऊपर अलग अलग तरह से अपना अपना कमेंट्री दे रहे थे, ये है, ये है, ये ऐसा है, ये वैसा है। लेकिन जब वहां पे डॉक्टर बैठा है, जब चार डॉक्टर वहां पे बैठे होंगे, तो वो क्या इस तरह की बातें करेंगे? नहीं, वो समझेंगे कि क्या है क्या नहीं है, कैसे काम करता है, क्या करता है इसमें, वो उसके बारे में सब कुछ अच्छे से समझ जाएंगे। तो अब दो लोग यहाँ पे बैठे हैं, एक व्यक्ति है जो अनपढ़ है, दूसरा व्यक्ति है जो पढ़ा लिखा है, और दोनों एक ही वस्तु को देख रहे हैं, लेकिन दोनों एक ही वस्तु को देखते हुए भी एक वस्तु को नहीं देख रहे हैं। दोनों एक ही वस्तु को देखते हुए भी एक वस्तु नहीं देख रहे हैं। तीसरा उदाहरण देते हैं। एक बार एक बच्चा और उसका पिता खड़ा था बालकनी में, अपने घर की बालकनी में खड़ी थी, रात थी, चांदनी रात थी। तो बेटे ने अपने पिता से पूछा कि पिताजी मेरे को चांद दिख रहा है, चाइना नहीं दिख रहा है, तो चांद पास में है कि चाइना? चांद पास में है कि चाइना? तो अभी वैसे तो चाइना पास में है, लेकिन चाइना नहीं दिखता, चांद दिखता है। अब देखो ये, अब बेटा और पिता दोनों के नजरिए में अंतर है।
अभी पिता भी चांद को ही देख रहा है, चाइना नहीं देख रहा है, और बेटा भी चांद को ही देख रहा है, चाइना नहीं देख रहा है, लेकिन ये जानते हुए भी जो है पिता क्या बोल रहे हैं कि चाइना पास है। क्यों? क्योंकि पिता कहाँ से देख रहा है? पिता देख रहा है अपनी बुद्धि से, अपने ज्ञान से देख रहा है, और क्योंकि वो अपने ज्ञान से देख रहा है इसके कारण वो समझ पा रहा है कि चांद पास में है नहीं है, चाइना पास में। लेकिन बेटा क्या देख रहा है? बेटा देख रहा है अपनी इंद्रियों से। तो दोनों एक ही चीज को देखते हुए भी एक चीज को नहीं देख रहे, दोनों एक ही चीज देखते हुए भी नहीं देख रहे। क्या फर्क आ गया? ज्ञान का, नॉलेज का, अंडरस्टैंडिंग का, एक्सपीरियंस का अंतर आ। वैसे ही हम भी वही भगवद गीता पढ़ रहे हैं जो भगवद गीता बाकी लोग पढ़ रहे हैं। सेम तात्पर्य हम भी वही पढ़ रहे हैं जो तात्पर्य बाकी लोग पढ़ रहे हैं, जो वही तात्पर्य पढ़ रहे हैं जो तात्पर्य शुद्ध भक्त भी पढ़ रहे हैं। लेकिन हमारा बिहेवियर में और उनके बिहेवियर में जमीन आसमान का अंतर है। कई बार जब हम भगवद गीता पढ़ते हैं तो हमें नींद आ जाती है और हम थोड़ा थोड़ा पढ़ के रोक देते हैं, लेकिन कई भक्त हैं जिनको पढ़ के नई शक्ति मिलती है, उत्साह मिलता है, भगवान के प्रति उनके मन में प्रेम जागता है, और ज्यादा वो भगवान की सेवा करने में लग जाते। तो अब सेम ही तात्पर्य पढ़ रहे हैं, लेकिन हमारे में और सामने वाले के बीच में, अंडरस्टैंडिंग में, रियलाइजेशन में, उससे जो आनंद आ रहा है, उन दोनों में अंतर आ गया। क्यों? क्योंकि ज्ञान की कमी है, नॉलेज की कमी है, एक्सपीरियंस की कमी है, शुद्धता प्योरिटी की कमी है। और यही चीज यहाँ पे भी हो रही है। यहाँ पे जो है भगवान बिल्कुल क्लियरली बोल रहे हैं और फिर भी जो है चार कुमार समझ नहीं पा रहे हैं कि भगवान एक्चुअली में कह क्या रहे हैं, क्या कहना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं, समझ नहीं पा रहे हैं। अब क्या करें? ये हमारे हित के लिए बात कर रहे हैं, अहित के लिए बात कर रहे हैं, प्रसन्न होके बात कर रहे हैं या फिर गुस्सा होके बात कर रहे हैं, किस तरह से बात कर रहे हैं, समझ नहीं पा रहे। तो ये अंडरस्टैंडिंग होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब ये अंडरस्टैंडिंग कुछ ऐसी है कि कोई सिखा नहीं सकता, ये अंडरस्टैंडिंग कोई सिखा नहीं सकता, ये आपका और भगवान के बीच में संबंध है, आपका और भगवान के बीच का ये संबंध है, ये कोई सिखा नहीं सकता। कैसे नहीं सिखा सकता? जैसे एक माँ और बच्चा है, अभी छोटा सा 3 महीने 4 महीने का बच्चा है, माँ की गोद में है, माँ उसकी बात समझ लेती है। साल भर का बच्चा है, बोलना नहीं आता है, लेकिन माँ उसकी बात समझ लेती है, कब भूख लग रही है, कब परेशान है, कभी वो अच्छा फील नहीं कर रहा है, कभी नाटक कर रहा है, माँ समझ लेती है। अब ऐसा नहीं है कि उसको उस समय कोई सिखाता है माँ को कि ये ऐसा बिहेव करेगा तो ये समझ लेना, ऐसा करेगा तो ये समझना, नहीं, ये बहुत नेचुरल रिलेशनशिप है दोनों के बीच में। अब ये नहीं है कि यही वाली माँ दूसरे के बच्चे का नहीं समझ पाएगी जल्दी से, अपने बच्चे का समझ पाएगी, दूसरे के बच्चे का नहीं समझ पाएगी जल्दी से। हाँ, और ये वाला जो बच्चा था इसका, ये अपनी माँ की गोद में सेटिस्फाई हो रहा था, और दूसरी माँ, यही माँ जब दूसरे के बच्चे को गोद में लेती तो वो बच्चा सेटिस्फाई नहीं हो रहा। अब बच्चे को तो समझ में नहीं है, वो भी सेटिस्फाई नहीं हो रहा है। मतलब ये रिलेशनशिप कैसा है? ये नेचुरल रिलेशनशिप है, इसमें कोई बाहर से सिखाने वाला नहीं है व्यक्ति। क्यों ऐसा रिलेशनशिप? क्योंकि दोनों के बीच में प्रेम है। प्रेम के कारण जो है माँ कंटिन्यूअस बच्चे का चिंतन कर रही है, प्रेम के कारण माँ जो है बच्चे की कंटिन्यूअस सेवा करने की कोशिश कर रही है, और उसी प्रेम के कारण वो जो छोटा सा 6 महीने का बच्चा जिसको रिश्तेदारी की कोई समझ नहीं है, वो बच्चा माँ की गोद में आके सेटिस्फाई हो जा रहा है और किसी की गोद में नहीं जाता है।
रोने लग जाता है इसी प्रेम के कारण। कुछ सिखाने वाली चीज नहीं यहाँ पे। तो यही रिलेशनशिप हमारा भगवान के साथ भी है। जैसे जैसे हम भगवान की सेवा करते हैं वैसे वैसे ये सब चीजें हमें ऑटोमेटिकली हमारे को समझ में आएंगे। भगवान क्या कह रहे हैं, क्यों कह रहे हैं, किस लिए कह रहे हैं, भगवान का कहने का क्या भाव है, ये सब चीजें हमें ऑटोमेटिकली समझ में आएंगी। तभी तो भगवान कह रहे हैं ददामि बुद्धि योगम तम ये नमामुपायन्ते, मैं तुम्हें बुद्धि दूंगा जिसके माध्यम से तुम मेरे पास आओ। नहीं तो आप देखो बाकी शास्त्र तो ऐसा भगवान आके नहीं बोल रहे, वेद आके पुराण आके भगवान ऐसा आके नहीं बोल रहे। भगवान की वाणी है, भगवान के रोम छिद्रों से प्रकट हुई है, लेकिन फिर भी लेकिन भगवद गीता स्पेसिफिकली भगवान आके बोल रहे हैं, खुद आके बोल रहे हैं। और क्या कह रहे हैं, ददामि बुद्धि योगम तम। अगर केवल किताब से पढ़ने से समझ में आ जाता तो हो जाती बड़ी बात, लेकिन किताब से पढ़ के समझ में नहीं आया। भगवान कह रहे हैं मैं समझाऊंगा, मैं वो बुद्धि दूंगा जिसके माध्यम से तुम इसको समझ पाओगे, लेकिन उसके लिए करना क्या होगा, प्रेम पूर्वक भगवान की भक्ति में लगना होगा। तेषां सतत युक्तानां भजतां प्रीति पूर्वकम्, प्रेम पूर्वक भगवान की भक्ति में लगना होगा। और जैसे जैसे हम प्रेम पूर्वक भगवान की भक्ति में लगेंगे हमें ये चीज समझ में आएगा, क्योंकि भक्ति कोई ज्ञान का विषय नहीं है कि हम बहुत सारा जल्दी 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 पढ़ लें तो समझ जाएंगे। स्कॉलरली का विषय नहीं है भक्ति, कोई हम अपने इंद्रियों से नहीं समझ सकते हैं, इंद्रियों के परे है से भी नहीं समझा जा सकता। अथा श्री कृष्ण नाम आदि नवेद ग्राह्य मिंद्रे। तो ये जो है भगवान और भक्त के बीच का संबंध है। और जैसे जैसे ये संबंध स्ट्रांग होता चला जाएगा, जैसे जैसे ये संबंध स्ट्रांग होता जाएगा, रिलेशनशिप उतना नेचुरल हो जाएगा और हम भगवान के मूड को समझ पाएंगे, भगवान के मूड को समझ पाएंगे। जैसे भगवान ने अर्जुन को बोला युद्ध करो, युद्धया कृत निश्चया, निश्चय करके युद्ध करो, तो अर्जुन ने युद्ध किया। लेकिन भगवान ने अर्जुन को बोला अश्वत्थामा को मार दो, लेकिन अर्जुन ने अश्वत्थामा को नहीं मारा, है ना। हमने देखा सातवें स्कंद अध्याय में भगवान ने अर्जुन को कई बार बोला अश्वत्थामा को मार दो, लेकिन भगवान अर्जुन ने अश्वत्थामा को नहीं मारा। क्यों? क्योंकि अर्जुन जो है भगवान के मूड को समझ पा रहे हैं, भगवान कब कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, तो अकॉर्डिंगली ही इज एक्टिंग। और कई बार गुरु भी इंस्ट्रक्शंस देते हैं, जैसे जब एक व्यक्ति प्रभुपाद जी के पास आते हैं और कहते हैं कि मैं मायापुर में जाके निर्जन भजन करना चाहता, तो पहले प्रभुपाद जी ने मना किया, लेकिन उसका जिद करने पे प्रभुपाद जी ने बोल दिया ठीक है जाओ करो। अब ये जो सेंटेंस है ठीक है जाओ करो, इससे कोई सोच सकता है मेरे को गुरु महाराज ने प्रभुपाद ने आज्ञा दे दी कि जाओ ठीक है अपना भजन करो, तो मेरे को जो है गुरु का आशीर्वाद मिल गया। नहीं, वो जो है मूड शो करता है कि हम क्या कर रहे हैं। वहां पे प्रभुपाद की इच्छा नहीं है, प्रभुपाद नहीं चाहते कि करें, लेकिन वो जो है शिष्य को देख के उन्होंने बोल दिया। अगर कोई फर्स्ट क्लास शिष्य होगा तो गुरु के इस बिहेवियर को समझ जाए कि गुरु क्यों बोल रहे हैं और क्या चाहते हैं, तो वो उसके हिसाब से एक्ट करेगा। लेकिन जो फर्स्ट क्लास शिष्य नहीं है वो और अपना मतलब ढूंढ रहे हैं, कैसे ना कैसे करके मेरी बात निकल जाए, पूरी हो जाए, वो मतलब ढूंढ रहा है, तो क्या होगा, वो पकड़ेगा अरे प्रभुपाद ने मेरे को बोल दिया निर्जन भजन करने को, मेरे को तो गुरु मुखा पद्मा वाक्य हो गया, ये तो चित्त कर ये क्या करना है। ये मूड है और इसी के कारण
क्या होता है, ये मूड नहीं समझ पाने के कारण हम लोग बहुत सारे कॉन्ट्रोवर्सीज में पड़ जाते हैं। जैसे प्रभुपाद जी ने जो है कई जगह पे कई सारे अपेरेंटली कॉन्ट्रोडिक्टरी स्टेटमेंट्स भी बोले, मतलब हमें वहां पे कहीं पे कुछ इंस्ट्रक्शन दिया है, कहीं पे कुछ इंस्ट्रक्शन दिया है, अपेरेंटली कॉन्ट्रोडिक्टरी लग सकते हैं। कुछ जगह पे प्रभुपाद ने लेदर को यूज करना अलाउ भी किया, कुछ जगह पे प्रभुपाद ने लेदर को यूज करना बिल्कुल अलाउ नहीं किया, कुछ जगह पे प्रभुपाद जी ने कुछ बोला, कहीं पे कुछ प्रभुपाद जी ने कुछ जगहों पे कुछ बोला। तो अब हम जो है वो मूड को, टाइम प्लेस सर्कमस्टेंस को, चीजों को अगर नहीं समझ पाएंगे तो क्या होगा, हम जो है वर्ड्स को पकड़ लेंगे और वर्ड्स को पकड़ के अपना मतलब उसमें से निकालने की कोशिश करेंगे और इस चीज के कारण बहुत सारी कॉन्ट्रोवर्सीज क्रिएट हो जाती हैं और हम बहुत सारे कॉन्ट्रोवर्शियल चीजें कर बैठते हैं और रेफरेंस दे देंगे हम शास्त्रों का, प्रभुपाद की वाणी का, कि प्रभुपाद ने ऐसा बोला ये करने को, तो कॉन्ट्रोवर्सीज हो जाती है। लेकिन जो एक अच्छा आदर्श शिष्य होगा वो समझ पाएगा। अब एक हो गया कि भाई जो इस लेवल पे है वो तो नेचुरली समझ जाएगा, ये नेचुरल है समझ पाना, इस चीज के लिए कोई ट्रेनिंग की जरूरत नहीं है। किसके लिए ट्रेनिंग की जरूरत नहीं है, जो इस लेवल पे है। लेकिन बाकियों के लिए ट्रेनिंग की जरूरत है, सही शिक्षा की जरूरत है कि हम एटलीस्ट उस लेवल पे तो आ सकें कि हम लोग जो कहा जा रहा है स्पेसिफिकली हमें, हम उसको कर सके। इसीलिए हमें जरूरत है गुरु की, इसीलिए हमें क्या जरूरत है, गुरु की। देखो जब हमारा रिलेशनशिप क्लियर होगा हमें चीजें क्लियरली समझ में। एक मैं आपको बहुत सिंपल अपना पर्सनल एग्जांपल देता हूँ। एक बार मैं जो है टेंपल हॉल में जप कर रहा था और जब करने के बाद चक्रवर्ती प्रभु जी मेरे पास आते हैं और बोलते हैं मैं 10 बजे क्लास दूंगा और चले जाते हैं। ठीक है, अब मैं जो है अब मेरे को सिर्फ उन्होंने क्या बोला, मैं 10 बजे क्लास दूंगा। अब ये अपने आप में एक कंप्लीट स्टेटमेंट है। ठीक है, लेकिन अब क्योंकि मेरा चक्रवर्ती प्रभु जी के साथ संबंध क्लियर है तो इस छोटा सा स्टेटमेंट, अब मैं 10 बजे क्लास दूंगा, मैं मेरे लिए बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस हैं। मुझे क्लास के लिए रूम देखना है, क्लास का सेटअप करना है, सब डिवोटीज को इन्फॉर्म करना है, ऑनलाइन सेटअप करना है, वहां पे भगवद गीता भागवतम रखनी है, कीर्तन का अरेंजमेंट करना है। ये सारे के सारे इंस्ट्रक्शंस इस स्टेटमेंट में ऑलरेडी हैं जब उन्होंने बोला मैं 10 बजे क्लास दूंगा। तो अब ये जो स्टेटमेंट है मेरे लिए, ये मेरे को अभिधेय भी बता रहा है और प्रयोजन भी बता रहा है। लेकिन जब यही स्टेटमेंट किसी नए व्यक्ति को क्या बोला जाएगा, वो तो क्या बोलेगा, अगर प्रभु जी बोल के चले जाएंगे मैं 10 बजे क्लास दूंगा तो क्या बोलेगा, अच्छा दीजिए, वेरी गुड, ऑल द बेस्ट, और क्या बोलेगा, क्यों, क्योंकि उसका संबंध क्लियर नहीं, इससे ज्यादा नहीं बता पाएगा। और यही कारण है कि भगवान ने वेदों से निकाल के हमें भागवतम को दिया। वेदों से, वेदांत सूत्र से, भागवतम क्या है, वेदांत सूत्र के ऊपर कमेंट्री है। अब वेदांत सूत्र का जो सूत्र है, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, या सॉरी अहम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्मास्मि, दो शब्द है अहम ब्रह्मास्मि। अब आपका अगर संबंध क्लियर नहीं है तो हम खुद को ही ब्रह्म समझ बैठेंगे, हम सोचेंगे कि मैं भी ब्रह्म हूं, भगवान भी ब्रह्म है, हम दोनों ब्रह्म है और इस ब्रह्म के ब्रह्म में आ जाएंगे। लेकिन अगर आपका संबंध क्लियर है भगवान के साथ तो ये स्टेटमेंट एक्चुअली बहुत चीजें बताता है। ये बताता है कि मैं भी स्पिरिचुअल हूँ, भगवान भी स्पिरिचुअल हैं
और मेरा भगवान के साथ में कनेक्शन है स्पिरिचुअल कनेक्शन है, तो जब मैं स्पिरिचुअल हूं तो मेरा इस मटेरियल वर्ल्ड से क्या लेना देना, मैं इसमें इतना मेहनत क्यों कर रहा हूँ, और मेरा ड्यूटी बनता है अपने इस रिलेशन की तरफ आगे बढ़ना, मैं इस भौतिक संसार के लिए क्यों परेशान हूँ। ये एक स्टेटमेंट अहम ब्रह्मास्मि हमारा पूरा का पूरा जीवन बदल सकता है। लेकिन अगर हमारा संबंध क्लियर नहीं है तो इसमें हम लोग गड़बड़ कर बैठेंगे ये स्टेटमेंट सुनकर। जैसे एक बहुत बड़ा मायावादी गुरु बोलता है, मैं तुम्हें ये नहीं बताने आया हूं कि मैं भगवान हूं, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ये बताने के लिए आया हूं कि तुम भगवान तत्वमसि। समझ में आया? ये गुरु मायावादी गुरु बोलता है कि मैं ये नहीं बताने आया हूं कि मैं भगवान हूं, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ये बताने के लिए आया हूं कि आप भगवान हैं, तत्वमसि। देखो कैसे पॉइंट को घुमा दिया। ये बोल रहा है कि वो कि अहम ब्रह्मास्मि का मतलब मैं भगवान हूं, तत्वमसि का मतलब तुम भगवान हो, मतलब ये समझाने आया है कि मैं भी भगवान हूं तुम भी भगवान, जबकि ये स्टेटमेंट किस तरह से गड़बड़ कर दिया। तो ये गलती जो है हो जाती है जब हमारा संबंध क्लियर नहीं। अब ये संबंध कहाँ ढूंढेंगे, कैसे समझ में आएगा? इसीलिए भगवान ने क्या किया कि भागवतम दिया, जो कि सारे वेदों का, शास्त्रों का, पुराणों का, वेदांत सूत्र का, सबका सार है, और इसके अंदर जो है मैक्सिमम जो चर्चा संबंध ज्ञान के ऊपर की गई है, संबंध ज्ञान के ऊपर की गई है। और जब आपका संबंध क्लियर हो जाता है, ऑटोमेटिकली आपका अभिनय और प्रयोजन सामने आ जाता है। आपको संबंध भी समझाया, अभिदय भी समझाया, प्रयोजन दिया गया। ये भागवतम का बहुत बड़ा स्पेशलिटी है। आप देखिए, अब आप कोई भी आप भागवतम में जनरली प्रार्थनाएं पढ़ेंगे, आप कोई भी प्रार्थना पढ़ लीजिए, उसमें उसका स्टार्टिंग कैसे होगा? हे प्रभु, आप परम भगवान हैं, मैं आपको नमस्कार करता हूँ, आप तीनों गुणों से परे हैं, मैं आपका दास हूँ, बहुत सारे जो है भ्रांतियों के कारण मैं अपने आप को इस शरीर समझ बैठा था और इस जीवन के भगवान मैं इस जीवन के माया जाल में फंस गया था, तीन गुणों के कारण मैं अफेक्ट हो गया था, लेकिन अब मुझे समझ में आ रहा है कि आप कौन हैं, आप परम भगवान हैं, आप तीनों गुणों से परे हैं। ये इस तरह से आप देखेंगे शुरू के श्लोक चलेंगे। ये श्लोक क्या बता रहे हैं कि प्रभु आपका और मेरे बीच का संबंध क्या है, ये संबंध है, ये संबंध बता रहा है कि हम अपना पोजीशन समझ रहे हैं कि मैं कौन हूं, भगवान कौन है, मेरा भगवान के साथ संबंध क्या है। ये जो भगवान है ये तीनों गुणों से परे हैं और मैं तीन गुणों के अंदर। जब ये क्लियर होगा तो समझ में आएगा कि भगवान स्वामी है, मैं दास हूं, मेरा कार्य भगवान की सेवा करना है। तो ये संबंध ज्ञान है, और ये क्लियर हुआ तो सब चीजें आगे की क्लियर हो जाएंगी। और अब देखेंगे सारी प्रार्थनाएं संबंध ज्ञान से के ऊपर बेस्ड है, और कुंती महारानी की प्रार्थना देखेंगे तो वो भी संबंध ज्ञान से है, तभी तो कुंती महारानी बोली नमो पंकज नाभाय, नमो पंकज मालिने, नमो पंकज नेत्राय, नमस्ते पंकजांगरी। अब उनको मालूम है कुंती महारानी को कि मैं भगवान की बुआ हूं, तो वो जो है चरणों से प्रणाम करना शुरू नहीं करती, तो भगवान को अजीब लगेगा, वो जो है भगवान की नाभि से उनको प्रणाम करना शुरू करती। अगर ये संबंध ज्ञान में नहीं होता तो वो कैसे बोल देती कि नाभि से प्रणाम करना शुरू करती, चरणों से प्रणाम करना नहीं शुरू करती, अगर संबंध वहां पे नहीं होता उनका। सारी की सारी प्रार्थनाएं जो है हमें सबसे पहले क्लियर करती हैं कि हमारा भगवान से क्या संबंध है, तभी तो हमारा अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगा चीजों को लेके।
इसीलिए आप देखिए कि सनातन गोस्वामी और रूप गोस्वामी जी को जो शिक्षा दी गई, सनातन गोस्वामी जी को जो है संबंध ज्ञान की शिक्षा दी गई, रूप गोस्वामी जी को अभिधेय ज्ञान की शिक्षा दी गई, और रघुनाथ दास गोस्वामी जी ने जो है प्रयोजन की शिक्षा दिया, प्रयोजन के आचार्य। तो रूप गोस्वामी जी को जो है चैतन्य महाप्रभु ने 10 दिन में सिखाया दशमेध घाट के ऊपर, और सनातन गोस्वामी को 2 महीना सिखाया संबंध ज्ञान। क्यों? क्योंकि संबंध ज्ञान जो है सबसे पहले जो है जरूरी है। ये क्लैरिटी आ गई तो सब समझ में आ जाएगा। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि 4 कुमारों को भी देखिए, इन 4 कुमारों का जैसे ही संबंध भगवान से क्लियर हुआ, उनका बिहेवियर में चेंजेस आ गए। किस मूड से आ रहे थे, किस मूड में आ रहे थे, वो पूरा का पूरा बदल के सामने आ गया। तो ये समझना चाहिए कि बोलने में भगवान से कोई पार नहीं पा सकता, परम पुरुष तथा उनके वाणी में कोई अंतर नहीं है, क्योंकि वे परम पद पर स्थित हैं। मुनियों ने भगवान के होठों से निस्तृप्त शब्दों को कान खोलकर सुनने का प्रयास किया, किंतु मुनिगण ठीक से समझ ना पाए कि वे कह क्या रहे। यद्यपि उनकी वाणी अति संक्षिप्त तथा अर्थपूर्ण थी। तो यहाँ पे आप देखिए एक और बड़ा पॉइंट समझ में आ रहा है कि भगवान यहाँ पे क्लियरली बोल रहे हैं, लेकिन फिर भी इतने बड़े बड़े मुनिगण नहीं समझ पा रहे हैं। तो हमारे लिए क्या होगा, हमारे साथ क्या होगा? इसीलिए जो है जरूरी है गुरु से समझना, गुरु की इसीलिए आवश्यकता आ जाएगी, नहीं तो हम लोग चीजों में गड़बड़ कर बैठेंगे। अब देखिए रास लीला के जो 5 चैप्टर हैं, उसके में बताते हैं लास्ट में कि ये जो रासलीला के 5 चैप्टर सुनने से आपके अंदर का सारा का सारी काम इच्छाएं खत्म हो जाएंगी। लेकिन जो व्यक्ति जो है इस संबंध को नहीं समझता है, जिसको क्लैरिटी नहीं है भगवान के बारे में, वो जब ये रास के 5 चैप्टर पढ़ेगा तो उसकी काम वासना बढ़ जाएगी, उसकी काम वासना बढ़ जाएगी। ऐसे कैसे बढ़ गई? क्योंकि प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग नहीं, जितना मर्जी सुन लो। इसलिए आप देखिए प्रभुपाद जी ने बार 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 फोकस फिलॉसफी के ऊपर किया। उन्होंने लीलाएं सुनाई लेकिन फोकस कहाँ पे किया? फिलॉसफी के ऊपर। जब हमारा तत्व क्लियर होगा तभी तो हम भगवान की लीलाओं को सही से समझ पाएंगे। नहीं होगा तो हम लोग क्या करेंगे, उसमें गलती देख बैठे। और यही गलती तो हमने देखा, बार बार देखा है, जैसे ब्रह्म मोहन लीला में हमने देखा। अब ब्रह्मा जी क्या देख रहे हैं कि ये छोटा सा बच्चा इतने सारे ग्वाल वालों के साथ में बैठा हुआ है और क्या कर रहा है, ये जो है एक दूसरे की प्लेट में से खा रहे हैं। फिर देखते हैं कि अरे ये बच्चा जो है दूसरे को अपने हाथ से खिला रहा है। फिर देखते हैं कि अरे ये बच्चा क्या कर रहा है कि इस बच्चे के आगे दूसरे ले 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 करके वो दिखाते हैं और खुद खा जाते हैं। ऐसे कोई भगवान के साथ डीलिंग करेगा? और ये बच्चा फिर क्या करता है, उनके मुंह में से निकाल के खा लेता है। और ये बच्चा फिर क्या करता है, ये मुंह से मुंह मिला के फिर मुंह से प्रसाद खींच लेता है। मुंह से मुंह मिला के प्रसाद खींच लेता है। ये भगवान के ऐसे करते हैं, वो जो है बिविल्डर हो गए, मुंह में पड़ गए। और इसी लीला को देख के लोग आनंद उठा रहे, शुद्ध भक्त आनंद उठा रहे। सती ने जब देखा राम जी को लीला करते हुए तो उनको लगा, रही ये भगवान है क्या, ये व्यक्ति भगवान है क्या जो स्त्री के पीछे ऐसा रो रहा है? तो वो परीक्षा लेने चली गई। और जब शिवजी ने देखा था इसी दृश्य को, भगवान की लीला को, शिवजी प्रणाम कर दिए, शिवजी प्रणाम कर दिए। अब दोनों सेम चीज को देखते हुए सेम चीज नहीं देख रहे, ये डिफरेंस है।
इसीलिए हमारा संबंध ज्ञान जो है बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए, क्योंकि यही तो भगवत गीता और भागवतम हमें ऊपर उठाएगा। अभी मैं थोड़े दिन पहले सेकंड कैंटो भागवतम का पढ़ रहा था, तो उसमें लिखा कि उसमें सुखदेव गोस्वामी बोल रहे हैं कि जो व्यक्ति बहुत ध्यान से पूरे अटेंशन के साथ और रिस्पेक्टफुली श्रीमद् भागवतम को सुनता है तो क्या होगा, उसका भगवान के प्रति दृढ़ विश्वास बनेगा, अनफ्लिंचिंग फेथ जो है उसका डेवलप होगा। इसका जो व्यक्ति पूरा अटेंशन के साथ और ध्यान पूर्वक सुनता है। एक मैंने आप लोगों का पहले आप लोगों के यहाँ पे क्लास लिया था, उसमें एक श्लोक आया था जहां पे हमने डिस्कस किया था अत्यंत श्रम पूर्वक श्रवण करता है, शायद आप लोगों को याद हो, इसी पॉइंट के ऊपर हमने पूरा क्लास लिया था, अत्यंत श्रम पूर्वक श्रवण करने के ऊपर। ये मेरे को शब्द बड़ा अजीब लगा, अत्यंत श्रम पूर्वक श्रवण करने को क्यों बोल रहे हैं भाई, हम सुन रहे हैं ना भागवतम तो सुन रहे हैं, लेकिन ये क्या मतलब हुआ अत्यंत श्रम पूर्वक सुनो, ऐसा क्यों कह रहे हो? क्योंकि जब तक हम लोग ध्यान से नहीं सुनेंगे तब तक ये हमारी हृदय के अंदर नहीं जाने वाली, तब तक ये वाणी हृदय के अंदर नहीं जाने वाली। जैसे हमने धुंधकारी की कथा में भी देखा, गोकर्ण की धुंधकारी की कथा में देखा, जब धुंधकारी, मैं बिल्कुल शॉर्ट में सुना रहा हूँ कथा, धुंधकारी राक्षस बन गया था, सॉरी वो प्रेत बन गया था, और अपने भाई के पास गोकर्ण जो भगवान का शुद्ध भक्त है आता है और उनसे रिक्वेस्ट करता है कि मेरे को मुक्ति का रास्ता दिखाइए, मैं बहुत ज्यादा कष्ट में हूँ। तो गोकर्ण कहते हैं कि मैं जो है तुम्हारे लिए गया में जाके तर्पण करूंगा। वो कहते हैं कि मैं इतना पापी हूँ कि ऐसे करोड़ों करोड़ों तीर्थों में करोड़ों करोड़ों बार तप तर्पण करने से भी मेरा कुछ नहीं होने वाला है। तो फिर उन्होंने जो है गोकर्ण ने भागवत को सुनाना शुरू किया, और भागवत को जब उन्होंने सुनाना शुरू किया तो क्या हुआ, बाकी बहुत सारे जो है गांव वाले भी वहां पे आके बैठ गए सुनने के लिए। और फिर क्या हुआ कि जब वो 7 दिन की भागवत खत्म हुई तो वो जो प्रेत था चतुर्भुज रूप धारण करके वैकुंठ का विमान आता है, लेके चला जाता है, और बाकी सारे लोग वहीं बैठे रह जाते हैं। वो लोग पूछते गोकर्ण से कि आपने अपने भाई को तो भेज दिया भगवान के धाम वैकुंठ में, हमने भी तो भागवत को सुना, हमारे साथ ऐसा क्यों नहीं हुआ? उन्होंने बोला कि तुमने ध्यान से नहीं सुना, तल्लीनता के साथ नहीं सुना, और यह कारण था तल्लीनता से तुमने नहीं सुना। तो उन्होंने कहा अरे फिर से सुनना पड़ेगा। तो उन्होंने वापस से गोकर्ण से रिक्वेस्ट किया, और रिक्वेस्ट किया, बहुत रिक्वेस्ट करने के बाद उन्होंने दोबारा से भागवत सुनाया, और सबने बहुत तल्लीनता से ध्यान पूर्वक सुना, और क्या हुआ, सभी के लिए अलग अलग जो है वैकुंठ से विमान आता है और सब बैठ के चले जाते हैं भगवान के पास। क्यों हुआ ऐसा? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि उन्होंने भागवत को सुना, मतलब ये भागवत में वो कैपेबिलिटी है। भागवत क्या है, भगवान है डायरेक्टली, लेकिन हम कितना ध्यान से कर रहे हैं। उसी के तात्पर्य में आगे श्रील प्रभुपाद जी समझाते हैं कि ये जो भागवत को सुनने की जो योग्यता है ये कहाँ से आएगी, ये आएगी भगवत गीता से, ये आएगी भगवत गीता से। और इसीलिए हमें भगवत गीता को सुनना बहुत ज्यादा जरूरी है, भगवत गीता को सुनना बहुत ज्यादा जरूरी है। हमें लग सकता है अरे ये तो बहुत सिंपल बुक है, हम तो पढ़ लिए, नहीं, भगवत गीता को कई बार पढ़ना होगा, सुनना होगा, बार बार सुनेंगे पढ़ेंगे सुनेंगे पढ़ेंगे तो हम ऑटोमेटिकली जो है चीजें समझ पाएंगे। और फिर जो है भागवतम है भगवत गीता, इसलिए महाराज भी जो है फोकस क्या करते हैं, भगवत गीता और भागवतम दोनों पढ़ो, भगवत गीता भी पढ़ो भागवतम भी पढ़ो, भगवत गीता भी पढ़ो भागवतम भी पढ़ो, इससे क्या होगा हम लोग आगे बढ़ पाएंगे।
और जितना ध्यान से हम ये चीज करेंगे उतना हम लोग भगवान की बात को समझ पाएंगे, हम लोग भगवान के मूड को समझ पाएंगे, क्या कह रहे हैं क्या नहीं कह रहे हैं, क्या करना है क्या नहीं करना है, कितना करना है, समझ पाएंगे। अब इससे एक और चीज होगी, ग्रेजुअली हमारा संबंध मधुर बनेगा, भगवान के साथ हमारे संबंध में मधुरता आएगी। देखो वही वही माँ बच्चे वाले एग्जाम्पल देते हैं, जैसे बच्चा खाना खा रहा है और माँ खाना खिला रही है। हाँ? अभी बच्चा वो माँ पूछती है एक और रोटी ले आऊं, बच्चा बोलता है नहीं, माँ क्या करती है फिर भी एक रोटी लेके आती है और बच्चा खा लेता है। क्यों? बच्चे ने तो बोला सामने से नहीं मेरा पेट भर गया और नहीं खाना, लेकिन माँ समझ जाती है कि अरे नहीं नहीं इसको भूख लगी है ये ले नहीं रहा है, वो फिर भी ले आती है रोटी और जबरदस्ती खिला देती है, क्योंकि उसको मालूम है मूड ये भूखा तो है लेकिन खा नहीं रहा है, ये जरूर उसका मूड खराब है या किसी कारण से खा नहीं रहा है, वो खिला देती है। अब ये संबंध की मधुरता है, ये संबंध की बीच की मधुरता है, जिसके कारण आपने इंस्ट्रक्शन दिया, सामने वाले ने बोला, आपने उसके अगेंस्ट में जाके काम किया, फिर भी सामने वाले के साथ आपका संबंध और मधुर हो गया और प्रेम बढ़ गया। इस संबंध की मधुरता, ये संबंध की मधुरता कब आ रही है? वो ऐसी मधुरता इसलिए आ रही है क्योंकि दोनों के बीच का रिलेशनशिप है। अब इसी की जगह कोई नौकरानी सर्विंग कर रही होती तो, या कोई वेटर होता सर्विंग करने वाले रेस्टोरेंट में, आपने बोल दिया एक रोटी ले आओ तो एक रोटी ले आएगा, दो रोटी बोलोगे दो रोटी ले आएगा, माँ को बोला नहीं और नहीं खाना वो चुपचाप मुंह बंद करा के खिला देगी, चुपचाप खा ले। इस संबंध की मधुरता है। अब भगवान इस संबंधों के बीच की जो मधुरता है उसको आनंद उठाते, लेकिन ये लेवल पे हम लोग डायरेक्टली तो आ नहीं सकते, इस लेवल पे डायरेक्टली तो आ नहीं सकते, क्योंकि इस लेवल पे डायरेक्टली आने का प्रयास करेंगे तो सहजिया बन जाएंगे, और हम लोग आध्यात्मिक लेवल पे आने की बजाय मानसिक लेवल पे रह जाएंगे, तो कहीं ना कहीं से तो स्टार्ट करना पड़ेगा, और वो स्टार्ट होगा जहां पे हम जो है इंस्ट्रक्शन को समझेंगे, जहां पे हम लोग इंस्ट्रक्शन को समझेंगे, सुनेंगे इंस्ट्रक्शन को समझेंगे, फिर इंस्ट्रक्शन का पालन करने का कोशिश करेंगे, और जैसे जैसे हम लोग इस प्रोसेस में जुड़ेंगे धीरे धीरे हमारा जो भगवान से संबंध का जो मधुरता है वो क्लियर होगी, और फिर भगवान चाहे डायरेक्टली बोले इनडायरेक्टली बोले चतुराई से बोले सीधा बोले उल्टा बोले घुमा के बोले, हम लोग भगवान के मूड को समझ पाएंगे, गुरु के मूड को समझ पाएंगे, और फिर हम उसके हिसाब से एक्ट कर पाएंगे, और फिर जो है वो प्रेम का आनंद उठा पाएंगे जिसको जिसके लिए हम लोग एक्चुअल में प्रयास कर, नहीं तो अटक जाएंगे। तो यहाँ पे हम लोग रोकते हैं, अगर किसी का कोई क्वेश्चन है कुछ है कमेंट है तो कर सकते हैं। हरे कृष्ण।